आज डॉक्टर हिमांशु दास से मैं निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया एक सीरीज ऑफ वेबिनार कराने का और अलग अलग लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई उस मिली उस सीरीज के अंतर्गत आज एडल्ट एजुकेशन के अंतर्गत आज हम दूसरा वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस वेबिनार के लिए हमने 3 एक्सपर्ट्स को निवेदन किया है जो बारी बारी से हमें अपने विचारों से अवगत कराएंगे और हमें जानकारी देंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हिमांशु दास से कि आज के इस वेबिनार का उद्घाटन वक्तव्य हमें दें और हमें जानकारी दें और जो जो प्लान हमारे हैं उन प्लान को डॉक्टर हिमांशु दास की बदौलत हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो डॉक्टर दास, स्वागत है आपका। धन्यवाद कमलबीर सिंह साहब। मेरे सभी निभेद के टीचर और बाकी के स्टाफ सबको मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अहम एक मुद्दे के ऊपर ये वेबिनार रखा है जिसमें हमारी जो वयस्क ब्लाइंड और पार्शियली साइटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा और उम्मीद है कि इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी। बिकॉज कई देशों में जब मैंने बाहर विजिट किया तो मैंने ये देखा कि उनके लिए जितना महत्व वो लोग ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स के ऊपर देते हैं, इंडिया में अगर आप ब्लाइंड स्कूल्स, ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस और ब्लाइंड को जो भी सेवा प्रदान करते हैं उन संस्था में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस विषय के ऊपर हमारा महत्व विदेशों के तुलना में काफी कम होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि देश में मान लीजिए अभी भी 50% लोग या 40% लोग अभी भी अनपढ़ है, हमारे दिव्यांगजन भी अनपढ़ है, हमारे ब्लाइंड लोग भी उस हिसाब से अनपढ़ है, लेकिन क्या ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई का मुद्दे से ही हम ब्लाइंडनेस और बाकी लोगों की क्षमता को डिफाइन कर रहे हैं या कुछ और स्किल्स भी है? तो उस चीज के ऊपर हम नजर डालना शुरू करते हैं तो लगता है समाज के साथ हमें साथ साथ चलना होगा। जिन विजुअली इंपेयर्ड हमारी स्टूडेंट्सों को अवसर मिला है, मौका मिला है आम बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव दुनिया में शामिल होने का, वहां हमने देखा है कि वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छा करके आम लोगों जैसा अच्छा कर रहे हैं या IAS तक भी जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों का 12वीं का रिजल्ट आया जो देहरादून के टॉप 10 स्कूल में से है। आज 10th का रिजल्ट आया, ये बात बताते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही कि उसका भी रिजल्ट देहरादून के टॉप स्कूल जैसे है। तो क्या ऐसे स्किल है, क्या ऐसे कमी है हमारे बच्चों में तो समाज में अभी भी हम देखते हैं कि उनको अलग नजरिया से देखा जाता है, सामाजिक एटीट्यूड उनके प्रति ठीक नहीं है। दिव्यांगजनों के अंदर भी अगर हम झांक के देखें तो पता लगता है आम बच्चों की तुलना में हमारे बच्चों में सेल्फ एस्टीम लेवल लो होती है, रेसिलियंस की लेवल जो अंदर से एक कर गुजरने की, अपने आप को डिप्रेशन से बचाने की एक शक्ति होती है उसको हम लोग रेसिलियंस कहते हैं, वो शक्ति में कमी पाते हैं। ग्रिट जो एक अलग प्रकार का मोटिवेशन, एक दृढ़ संकल्प ली जाती है जिंदगी को लेके, उसमें भी हमारे बच्चों में कमी पाई जाती है। ओवरऑल उनका जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है विथ रिगार्ड टू लाइफ, मोटिवेशन, ये सब चीजों में कमी पाई जाती है। तो इसके पीछे अगर हम स्टडी करें कि क्या ऐसा अहम क्या चीज है जिसके ऊपर हम अगर गौर करें, हम अगर ध्यान देना शुरू करें कि ये मल्टीफोल्डेड बेनिफिट मिल सकती है दिव्यांगजनों को, तो मुझे लगता है वो जो चीज है वो है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स, जिससे सबसे पहले तो लाइफ स्किल्स में आपको अहम भूमिका दिखेगी कि जिसका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल स्ट्रांग हो गया तो लाइफ स्किल में वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, नॉर्मली लोगों जैसा होने लगेगा, आम लोगों जैसा परफॉर्म करने लगेगा। सेकेंड इज इंडिपेंडेंस, चाहे घर के अंदर हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे जहां वो काम कर रहे हो, काम की स्तर पे हो, चाहे समुदाय में हो, समुदाय मतलब बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी संस्था में जा रहे हैं, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, हर जगह उनको इंडिपेंडेंस मिलेगी। थर्ड में जो है ओवरऑल आप देखेंगे इंक्लूजन और सेक्लूजन की जो एक सामाजिक दायरा बना हुआ है, हम हमेशा बोलते हैं कि दिव्यांगजनों का इंक्लूजन होना है, हमारे ब्लाइंड बंधुजनों का इंक्लूजन होना है, तो उसमें ये एक ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्किल्स ना होना एक बहुत बड़ी दरार है। तो उसमें भी एनहेंसिंग, इट विल एनहेंस डेफिनेटली, इंक्लूजन को एनहेंस करेगा, समावेशन को एनहेंस करेगा। एम्प्लॉयबिलिटी, जब हम कहीं भी एम्प्लॉयर के साथ बात करते हैं, मोर देन द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट,
ओवरऑल एक आदमी का इंडिपेंडेंस ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के ऊपर वो ज्यादा बात करते हैं, जब उनको लगता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि कंप्यूटर का काम में तो बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन इनको चलने फिरने में दिक्कत है, हर वक्त इनको मदद चाहिए होता है, हर वक्त सहायता सही होती है। तो वहाँ एम्प्लॉयबिलिटी वर्सेस इंडिपेंडेंस इन मोबिलिटी स्किल्स की बात आ जाती है। उसका अलावा ओवरऑल आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे, देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एंड द ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स। जिनका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स बेहतर होगा उसका डेफिनेटली हाई कोरिलेशन विथ रिगार्ड टू प्रोडक्टिविटी होगा। इन ए नटशेल मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि ओवरऑल जो सामाजिक एटीट्यूड चेंज की हम बात करते हैं, समाज की दृष्टिकोण की बात करते हैं, स्कूल में, समाकल शिक्षा में, एम्प्लॉयबिलिटी में, हर जगह हम सोशल इंक्लूजन या एजुकेशनल इंक्लूजन, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्लूजन की बात करते हैं, हर जगह ये जो एटीट्यूड एक बना हुआ है, निगेटिव एटीट्यूड, एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड बना हुआ है, हमारे प्रति एम्पैथी कम है, सिंपैथी ज्यादा है, एटीट्यूड निगेटिविटी है। तो ये सब चीजों को अगर हमें पार करना होगा, सिर्फ एडवोकेसी करने से नहीं होगा, हमारे दिव्यांगजन जो भी है, ब्लाइंड बंधुजन है, पार्शियली साइटेड बंधुजन है, उनको ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्किल्स के ऊपर फोकस करनी होगी, जितना हो सके इंडिपेंडेंस लाना होगा, और जहां तक हो सके, जिस लेवल तक भी हो सके, उनको पूरी तरह से स्वावलंबी होने की कोशिश करना पड़ेगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई करिकुलम नहीं है किस लेवल तक आप इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं समाज का, क्योंकि ये पहला एक एरिया है जिसका कोई सिलेबस नहीं बनाया जा सकता है। जो जिस माहौल में रहता है, जो जिस कल्चर में रहता है, समाज जिस तरीके से डायनेमिज्म के साथ बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रही है डायनेमिज्म के साथ। आप बाथरूम का ही ले लीजिए, बाथरूम का स्ट्रक्चर, नल का हर चीज हर 5 साल में एडवांसमेंट में बदल रही है, तो इसका सिलेबस तो नहीं बन सकता है। लेकिन मैं डट के कह सकता हूँ, जो दृढ़ संकल्प लेंगे, प्रॉपरली इसके ऊपर फोकस करेंगे हमारे दिव्यांग बंधुजन, मुझे उम्मीद है कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स ऐसा एक एरिया है जिसमें गांव-गांव में बैठे हर एक दिव्यांग व्यक्ति बिना इंस्ट्रक्टर के भी या बिना पढ़ाई लिखाई के भी इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया हासिल कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि इस एरिया में जब वो पारगत होंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयबिलिटी, इंडिपेंडेंस, प्रोडक्टिविटी, इंक्लूजन, हर क्षेत्र में इसका असर दिखेगा। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम में, और मैं चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर जो है आगे और भी कार्यक्रम हो, समाज में एक अलग प्रकार की जागरूकता आए कि हमारे जो ब्लाइंड बंधुजन है, जो पार्शियल साइटेड लो विजन बंधुजन है, वो सभी लोग इस कार्यक्रम को, इस सिलेबस को एक अहम सिलेबस के रूप में आगे बढ़े। धन्यवाद कमलवीर जी, आप सबको पुनः आमंत्रण, धन्यवाद। थैंक यू सर। दास निदेशक महोदय के परसेप्शन ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी से हमें उनके कमिटमेंट का एहसास होता है, ये पता चलता है कि कितना कमिटेड विचार उनके इस विषय के प्रति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब आरंभ करेंगे आज का हम सर के इनॉग्रल संकेत के बाद हम अपने एक्सपर्ट को इनवाइट करेंगे। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं मिस्टर ए दुराईराज, उन्होंने अपना करियर चेन्नई से शुरू किया था और बाद में 1973 से स्कूल फॉर द ब्लाइंड बेंगलुरु में वो रहे कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक, और NIBH में 1989 में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेटर और ONM के पद पे उन्होंने ज्वाइन किया। और यहाँ शुरू में 6 मंथ्स का कोर्स जो आरंभ हुआ था उसको डॉक्टर दुराईराज देखते थे। यहीं से वो रिटायर हुए इसी पद पर, और उसके बाद रिटायर होने के बाद उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया रामकृष्ण मिशन, और वहां काफी लंबे समय तक रहे। इसके अलावा वो मैनेजर रिहैबिलिटेशन के पद पर भी करुणिया यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे कोयम्बटूर में। और एक बात जो खास तौर से मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर दुराईराज के बारे में, कि उन्होंने एक बहुत अच्छी रेपुटेशन फील्ड में ONM के क्षेत्र में अर्न की, और उनकी जो रेपुटेशन है उसी रेपुटेशन का आज फायदा, बेनिफिट हम सबको इस वेबिनार के माध्यम से प्राप्त होगा। जो लोग उन्हें जानते हैं उनके विचारों से पूरी तरह से परिचित हैं, और इस रेपुटेशन के प्रति उन लोगों ने जो उनका परफॉर्मेंस थी वो पहले लगातार यहाँ देखी है। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर दुराईराज से कि आज के इस टॉपिक पर अपना वक्तव्य आरंभ करें। रेस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ NIBH डॉक्टर हिमांशु दास, फ्रेंड्स
and participants. It's a great pleasure for me to say big thanks to NIVH. Okay. Dr. Himanshu Das has taken a new step to invite even retired staff members to take part in webinar and give information to persons. I am also thankful to the staff who initiated and invited me to take part in this webinar. Good afternoon to everybody. And orientation and mobility training for the visually handicapped. NIVH has played a very big role in the past. And there are hundreds of professionals out from NIVH and working in different parts of our country. This is a great contribution from NIVH. And I am extremely very happy that I am invited to take part in this webinar. The topic was given to me, that is history of orientation and mobility. सबसे पहले हम देखेंगे, मैं कुछ हिंदी में भी बात करूंगा, अगर गलत है तो माफ करना है. So orientation and mobility एक training program है, ये training program for the visually handicapped to be independent in their life. So orientation एक skill है, mobility एक skill है. ये दोनों इकट्ठा करके orientation and mobility एक training बना चुकी है. So orientation यानी that is knowing about the environment, अपने वातावरण के बारे में जानकारी लेने हैं. So कैसे है? अपने वातावरण के बारे में जानकारी लेना है, जो बचा हुआ सेंसेस है उसके द्वारा ये कौन सा वातावरण में हूं, ये कैसे वातावरण है, ये अच्छा है बुरा है डेंजरस है, ये सारे कुछ पता करना है अपना सेंसेस के द्वारा. So, पता कर लिया, एक काम हो गया, ओरिएंटेशन हो गया आपका. दूसरा है मूवमेंट है. सो फिजिकली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज मोबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मूविंग. सो ये दोनों इकट्ठा करके ये मोबिलिटी ट्रेनिंग बनाया गया है. तो ये ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इज एंटायरली अ न्यू कॉन्सेप्ट. सो ये नया कॉन्सेप्ट है हमारा देश में, इवन दुनिया में भी ये नया कॉन्सेप्ट है. इट हैज नो रिकॉर्ड्स टिल 20th सेंचुरी. सो कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में ज्यादा नहीं था 20th सेंचुरी तक. सो एक देर आर टू वर्ल्ड वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दुनिया में दो विश्व युद्ध हुआ है, ये पहला विश्व युद्ध एंड दूसरा विश्व युद्ध. इसके बाद ये ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के बारे में बातचीत हो रहे थे, कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे, उसके बारे में हम जानकारी आप सुनेंगे. हिस्ट्री ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले क्या कुछ हुआ है उसके बारे में मैं बात करूंगा. इन द ईयर 1800 1800 में इंग्लैंड देश में एक लॉयर, उसका नाम दिया गया है, एक लॉयर है, ये ब्लाइंड हो गया था. तो उनका आना जाना ये बहुत मुश्किल, लॉयर तो एक जगह में बैठ नहीं सकता है, तो कोर्ट जाना है, घर आना है. सो इनका एक्टिविटी बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने एक सजेशन दिया है, अगर मूवमेंट करना है दोनों हाथ में दो स्टिक लेके जाना है, दोनों हाथ में दो स्टिक लेके जाना है तभी जा सकता है, एक सजेशन था वो. दैट वॉज द बिगिनिंग. सो उसके बारे में ज्यादा जानकारी बाद में नहीं मिला है, बट इट वॉज अ सजेशन दैट केन कैन बी यूज फॉर मोबिलिटी. इन 1819 इन ऑस्ट्रिया वियना, जॉन विलम
एक आदमी एक बुक राइटर था, वो बुक में एक पेज में उन्होंने लिखा था सो डॉग्स को ट्रेन करें और ब्लाइंड को वो डॉग्स मदद करें, गाइड करें इधर उधर लेके जाने के लिए, सो डॉग्स गाइड करें। सो ये अच्छे सजेशन था, बट उसी समय में nobody has taken any care, they just left it, but this important suggestion came to effect after 100 years. 100 साल के बाद ये एक एक्शन हुआ है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। इन 1900 में एक रिच ब्लाइंड मैन इन यूके, बहुत बड़ा अमीर आदमी अंधा हो गया, तो उनको कई जगह में जाना है, इनका बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए एक आदमी को उन्होंने अपॉइंट किया है, ये साइटेड पर्सन को अपॉइंट किया है इधर उधर लेके जाने के लिए, जेम्स होलमैन। द साइटेड पर्सन नेम वॉज जेम्स होलमैन एज अ गाइड। तो इन द रिकॉर्ड इट इज गिवन ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन गाइड फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। That was happened in 1900 में हुआ था। That was instance that blind could be guided by sighted person properly. After the First World War, पहला विश्व युद्ध है, 1914 to 1918 तक। The First World War had suddenly increased the number of blind persons in the world. War ek reason hai, yudh ek reason ban jata hai. Usi mein that there are number of people injured, they lose their arms, they lose their legs, and they lose their sight also. There are so many people have lost their sight. Is mein particularly, the number was more in Germany than the other countries. जो इस पहला विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा blind people जर्मनी में हो गया था, क्योंकि किसने ज्यादा लड़ रहा है उसको चोट ज्यादा पहुंचाता है। So the people who fight more, they get more injuries, and Germany has got more number of blind people. एक देश में इतना ज्यादा ब्लाइंड, द टू आर्मी मैन यंग है, वेरी एनर्जेटिक है, सो सारे के सारे ब्लाइंड बन के विदाउट एनी एक्टिविटीज होते हैं, देन गवर्नमेंट हैज गॉट द बिग प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेटिंग देम। सो दे थॉट व्हाट कैन वी डू, द गवर्नमेंट कैन डू समथिंग फॉर देम, दे शुड रिहैबिलिट ऑल द मिलिट्री पीपल। सो द जर्मन पीपल, जर्मन गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन करने के लिए सोचा है। फिर उन्होंने उस समय की बात है जो लड़ रहे हैं, उस समय में डॉग्स कैरी मेडिसिन टू द वॉर फील्ड टू गिव द सोल्जर्स। द डॉग्स कैन आइडेंटिफाई देयर मास्टर्स इजीली, सो दे घायल हुए पड़ा हुआ वे समवेयर दे वर फॉल एंड द dogs carry medicines and give to them, wonderful work they were doing. So a thought aaya tha, why don't we train these dogs, hum is dog ko kyun train nahi kare, ye visually handicapped ko guide kare. To is thought mein unhe action le liya. In 1917 mein ek ambulance dog squad ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर्म किया है जर्मनी में, ट्रेन डॉग्स टू गाइड विजुअली हैंडीकैप्ड। तो दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, उनका रिहैबिलिटेशन के लिए ये मूवमेंट करना है, इफ दे डोंट मूव देन द रिहैबिलिटेशन मीनिंगलेस। सो दे डिड स्टार्ट एम्बुलेंस डॉग स्क्वाड, फेमस है जर्मनी में, एंड दे रिहैबिलिटेट नंबर ऑफ सोल्जर्स।
सो ये कहानी ये एक ये एक्शन है दुनिया भर के चले गया दैट न्यूज हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट डॉग कैन गाइड विजुअली हैंडीकैप्ड पीपल. सो वन लेडी वेरी रिच लेडी इन अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेरी रिच लेडी. कभी कभी रिच पीपल बिकम सो सॉफ्ट टूवर्ड्स हैंडीकैप्ड पीपल एंड डू लॉट ऑफ सर्विसेस. सो दिस लेडी हर नेम इज ईस्टिस ऑफ यूएसए अ वेल्दी लेडी हर्ड अबाउट गाइड डॉग मूवमेंट्स इन वेस्ट जर्मनी. सो शी हैड विजिटेड जर्मनी एंड सॉ द ट्रेनिंग प्रोग्राम अलॉन्ग विद डॉग्स एंड विजुअली हैंडीकैप पीपल. शी वॉज मच इम्प्रेस्ड एंड ब्रॉट नंबर ऑफ डॉग्स टू अमेरिका to help her own country visually handicapped people. So this was very well appreciated by the time that the lady has done so much of work for the visually handicapped people. In 1927, this Maurice of USA, a Maurice person who was a lawyer and he became blind. Kabhi acche log blind ho jata hai but inactive ban jata hai. Fir again they wanted to be active, they wanted to get training. So this lawyer heard of this guide dog movement, he went to Germany and got the training. He came back, he thought that so sirf mere liye ek training hua hai, so मैंने बाकी लोगों को भी ये ट्रेनिंग देना है. हमारा देश में जो कितना विजुअली हैंडीकैप्ड है उन लोगों के लिए ट्रेनिंग देना है. सो इन्होंने ये काम किया है इट्स अ प्लेस कॉल्ड मोरिस टाउन. वो मोरिस टाउन में इस न्यू जर्सी स्टेट है वो यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है. उसका नाम दिया गया है सीइंग आई डॉग, Seeing Eye Dog. So यहां जर्मनी जैसा ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू की, इन्होंने काफी लोगों के लिए मदद की. ये अच्छा काम किया है उन्होंने 1927 में. सो अमेरिका में दोबारा 1930 में एक प्रोग्राम हुआ था व्हाइट केन लॉ. सो एक सफेद छड़ी का एक कानून बनाया है. ये क्या कानून है? तो ये छड़ी लेके अगर एक विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन रोड के किनारे में खड़े हैं तो ट्रैफिक चलते रहते हैं, ये छड़ी देख के ये ट्रैफिक रुक जाते हैं दैट ही हैज द राइट टू क्रॉस द रोड. सो हमारे देश में तो अभी तक हुआ नहीं है. इवन हाई दैट व्हेन आई विजिटेड टू वेस्ट एशियन कंट्रीज a few years back along with my family, तो हम रोड में खड़े थे तो ये ट्रैफिक लोगों ने ड्राइवर्स ने सुना जो देखा होगा हम रोड क्रॉस करने के लिए वेट कर रहा है, सारे ट्रैफिक बंद हो गया दोनों साइड में. फिर ड्राइवर्स बोलते हैं क्रॉस रोड, मुझे मुझे सब ये ही याद आया था. तो ठीक है रोड क्रॉस करने के बाद अब ट्रैफिक शुरू किया है. देखिए दिस इज द डिसिप्लिन इन वेस्टर्न कंट्रीज that they help the visually handicapped in a very decent way. So हमारा देश में ये नहीं होगा तो कितने घंटे भी खड़े होंगे रोड के किनारे में, कोई भी कोई व्हीकल रुकेगा नहीं है. दिस शुड बी एजुकेटेड एंड अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा. तो द लाइन्स क्लब ऑफ अमेरिका ये काम व्हाइट केन लॉ 1930 में लेके आया. कम से कम नाउ अबाउट 70 and 20, 90 years back, but अभी तक हमारा देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो we are going to take much precautions on this, giving way to the blind intersections carrying white cane with red tape. जो cane है white cane है लंबी छड़ी है, ये सफेद है ऊपर वो सफेद है नीचे 6 inches के लिए red color है. सो उसको देख के
सो उन्होंने रोड क्रॉस करने के लिए, अगर इंटरसेक्शन में रोड क्रॉस करने के लिए उसको सुविधा मिल सकते थे. दिस वॉज अ वेरी गुड डेवलपमेंट इन इन वेस्टर्न कंट्रीज. इट्स अ लॉ एंड ऑल ड्राइवर्स शुड फॉलो इट. इन 1931 द सेम लायंस क्लब ऑफ पियोरिया इलिनॉइस डिस्ट्रीब्यूटेड थाउजेंड्स ऑफ कान में तो आ रही है thousands of canes. So, ये visually handicapped के लिए the canes is very good. But they use the cane and walk. So that was happened to popularize the white cane law. So they distributed canes. Now we come to invention of white long cane. ये नया सफेद छड़ी कैसे इन्होंने इन्वेंशन किया है. सो ये है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ है 1945 टू 1947-48 तक चल रहा था. सो उसी समय के बाद इस समय में थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स बिकेम ब्लाइंड. पहले विश्व युद्ध में जर्मनी सोल्जर्स का ज्यादा हो गया था विजुअली हैंडीकैप. अब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा है तो अमेरिकन सोल्जर्स ने वो किया. इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने 5 हॉस्पिटल सेलेक्ट किया था. उस अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ने 5 बिग हॉस्पिटल सेलेक्ट करके उसमें उसको भर्ती करके उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सोच रहे थे. उस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करने के लिए एक डॉक्टर को सिलेक्ट किया था, एक आई डॉक्टर, डॉक्टर रिचर्ड एडवर्ड वूवर. इन रिचर्ड एडवर्ड वूवर के टीम, ही वाज़ द टीम कैप्टन एंड देर वर सो मेनी डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड पीपल, दे वर अ टीम. सो आई एम कंटिन्यूइंग आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द न्यू इन्वेंशन ऑफ व्हाइट लॉन्ग केन. दैट इज in America, American soldiers became blind. So many American, thousands of so many Americans became blind. इसमें अमेरिका में उनका रिहैबिलिटेशन की कोशिश किया है, उसका एक डॉक्टर को सेलेक्ट किया है. उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर रिचर्ड एडवर्ड वूवर है. ये ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है. उनके नेतृत्व में काफी लोग इस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के काम कर रहा था. इन लोगों ने एक छड़ी, आजकल हम एनआईवीएच में कहीं देखा है व्हाइट सफेद छड़ी है, व्हाइट लॉन्ग केन है. दिस वॉज फाउंड इन अमेरिका, नॉट इन एनी अदर कंट्री. सो दिस सफेद छड़ी है, अल्यूमिनियम केन है, सबसे वेटलेस केन है, अल्यूमिनियम अलॉय केन है. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कहते हैं तो एटलीस्ट 200 ग्राम्स सो हाथ में लेके घूम सकता है. तो इसमें इन्होंने केन बनाया है. इट्स लंबी छड़ी है, अंदर हॉलो है. सो इट्स वेरी लाइट वेट है. सो इसमें तीन पार्ट्स होता है. तो टॉप में एक पकड़ने के लिए रबर ग्रिप होता है और एक लंबा सॉफ्ट हो जाते हैं. देन नीचे है एक टिप होते हैं, टिप नायलॉन के माध्यम से होता है. दिस नायलॉन टिप. सो नायलॉन इज वेरी सेंसिटिव लाइक अवर फिंगर टिप. सो ये पता कर लेते हैं नीचे क्या ऑब्जेक्ट है, यह सब कुछ मालूम हो जाता है. ये साइंटिफिक रिसर्च से ये छड़ी को बनाया गया है. नॉट ओनली द केन बट ऑल्सो दे वर्कड आउट सम टेक्निक्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी. सो कैसे एक ब्लाइंड पर्सन ये छड़ी लेके घूमना है, क्या क्या स्किल्स उन्होंने सीखना है, तो फिर कैसे इंडिपेंडेंटली जाना है, तो सारे कुछ डॉक्टर रिचर्ड ई वूवर ने बनाया गया है. इट वॉज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड. इट वॉज ऑल्सो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल्स. सो इन 1960 बॉस्टन कॉलेज स्टार्टेड a graduation program called peripatology. So is orientation and mobility ke ek roop banaya hai that made a wonderful training program
and they make professionals to train visually handicapped people teaching orientation and mobility skills. उसमें ये बॉस्टन कॉलेज में पहला शुरू हुआ 1960 में, फिर मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए ओपन द सेंटर फॉर ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग। तो अमेरिका में कई देशों में कई स्टेट में ये ओरिएंटेशन मोबिलिटी डेवलपमेंट हो चुका है, तब तक हमारे देश में कुछ नहीं हुआ है। तो ये ज्यादा की ज्यादा अमेरिका, इंग्लैंड एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द कंट्रीज टू सो मच ऑफ पेन टू ट्रेन प्रोफेशनल्स टू ट्रेन विजुअली हैंडीकैप्ड पीपल, बट तब तक हमारा देश में कुछ नहीं हुआ था। देन मेनी पीपल ट्राई टू गो टू अमेरिका टू गेट ट्रेनिंग। यह अच्छा बात तो है, तो हमारा देश से अमेरिका जाना है, ट्रेनिंग लेना है, तो काफी लोग कोशिश किया है। सो फिर अमेरिकन पीपल ने देख लिया व्हाई फ्रॉम एशियन कंट्री सो मेनी पीपल हैव टू कम टू अमेरिका, सो वी हैव टू शिफ्ट आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एशियन कंट्रीज। सो दे ट्रांसफर्ड दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू कोलालंपुर, so Malaysia, Kuala Lumpur, so it was a center part, so other countries, all Asian countries can go to Kuala Lumpur and take training. That time ek expert hai, Mr. Robert Jekyll, a orientation expert, unko bheja gaya hai so Kuala Lumpur mein, so you can get Asian participants and give orientation and mobility training. एंड सो इंडिया से काफी लोग गए हैं, इसी में दो व्यक्ति हमारा देश में तो गए हैं, तो उनका नाम है एक वाईजे चोकसी, एक ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में काफी नाम था एक वाईजे चोकसी को मैं बताऊंगा। फिर एक दूसरा तमिलनाडु से एक कुलंदई राज है, वो भी गए थे, बट ज्यादा की ज्यादा है चोकसी को ओरिएंटेशन एक्सपर्ट मनाया जाता था। तो बोथ ऑफ देम केम फ्रॉम कोलालंपुर टू इंडिया। देन बाय द टाइम अमेरिकन पीपल ने थिंक किया है सो कोलालंपुर भी सही नहीं है, सो इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है, तो वो कोलालंपुर सेंटर को और इंडिया को शिफ्ट किया है। कहाँ शिफ्ट किया है? तो देहरादून को शिफ्ट किया है 1972 में। दैट टाइम दैट वॉज नॉट NIVH, इट वॉज NCB, नेशनल सेंटर फॉर ब्लाइंड। सो वहां ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, बट ऑफिस तो मसूरी में रखा था उनको, हिल्स में ट्रेनिंग दिया गया था, बट दो कोर्स किया था, टू कोर्सेस। व्हेन दिस कोर्स केम टू इंडिया, देन इंडियन पीपल they are not interested in taking training in India, so everyone was to go to America or otherwise any other country for training, but not in India. Now, this is the condition. Even today people even come to Dehradun, it's very difficult for them. They say it's very difficult to reach Dehradun, so it's not like that. In India mein kahin bhi hum ja sakta hai, but 72 again this program was shifted to New Delhi. New Delhi mein Blind Relief Association, BRA, in Nizamuddin near ek hotel hai, international hotel hai, uske paas mein hai. So Blind Relief Association is a very well established organization for the visually handicapped. Kaafi saalon se kaam kar rahe hain wahan. तो वहां 73 से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था। दैट वाज द टाइम देयर वाज ओनली 4 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट 6 मंथ्स, 4 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज कंडक्टेड देयर, एंड वाईजे चोकसी वाज द कोर्स कोऑर्डिनेटर दैट टाइम, ही वाज द कोर्स कोऑर्डिनेटर, एंड इन वन कोर्स दैट टाइम दे यूज्ड टू टेक ओनली 4 मेंबर्स, नॉट मेनी। सो the 4 members can be selected from anywhere in India, so it was
वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिकॉज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग में ज्यादा की ज्यादा नहीं ले सकता है क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. सो बी आर ए सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम 72 टू 83 और 84 तक कंडक्ट किया था. फिर बाद में 1980 में द फर्स्ट रेफ्रेशर कोर्स ऑन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी कंडक्टेड इन एनआईवीएच देहरादून. सो दे वांटेड टू हैव मोर प्रोग्राम्स मोर प्रोजेक्ट्स एंड एनआईवीएच स्टार्टेड दैट वाज द बिगिनिंग एंड दे वांटेड टू हैव मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्पेशली ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी. सो शुरू करने के लिए सोच रहा था इसलिए काफी एक्सपर्ट को बुलाया देहरादून में उनसे डिस्कशन किया है. फिर बाद में एक अच्छे सिलेबस बनाया है. सो काफी लोग उसमें थे तो वो लोग अच्छे सिलेबस 6 महीने के लिए बनाया था उस सिलेबस. फिर RCA रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया तो इसको अप्रूवल किया क्या है. तो देन 87 से NIVH में 6 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम कोशिश किया है. उस समय में फिर भी मिस्टर वाईजे चोकसी वाज द कोर्स कोऑर्डिनेटर था. उनके लिए उनका एक असिस्टेंट मैं था. आई वाज हिज असिस्टेंट एंड वी बोथ स्टार्टेड ट्रेनिंग अ नंबर ऑफ मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर्स नॉट ओनली फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. So we also trained some many SSB candidates, Social Security Bureau, who work in border areas. Sort of army people, they are in civil uniform. They go to that areas and help people. So army people ne usko bheja hai hame, to isko mobility training de. उस एरिया में ब्लाइंड पीपल है उनका मोबिलिटी करने के लिए कई बैच हम ट्रेनिंग करके भेजा था. सो फिर उसके बाद YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई उन लोगों ने ओरिएंटेशन मोबिलिटी ट्रेनिंग शुरू किया था 1980 में. सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है CBM. CBM के सपोर्ट से उन्होंने किया था. काफी साल से चले गया था फिर ये खत्म हो गया क्योंकि फंड्स नहीं मिलता है फिर प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं. तो फिर YMCA ने फिर इनिशिएट किया था. उन्होंने YMCA कॉलेज के अंदर एक अच्छे सिलेबस बनाया है. एक साल के लिए एक डिग्री कोर्स उन्होंने बनाया है. वो डिग्री कोर्स को BMS नाम लिखा है बैचलर इन मूवमेंट साइंस. एक साल का ये कोर्स चल रहा था. तो उसी के द्वारा हम NIVH में हमें भी कोशिश किया था एक साल के कोर्स शुरू करने के लिए. हमने काफी एक्सपर्ट को बुलाया है तो काफी एक्सपर्ट को हमने चांस दिया है तो सिलेबस लिखने के लिए एक कॉम्प्रेहेंसिव एक वेरी वेरी गुड सिलेबस ने बनाया. एक सिलेबस है 6 महीने का मोबिलिटी प्रोग्राम है 3 महीने का फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है और 3 महीने का अदर डिसेबिलिटीज एरिया में. एक ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर को अच्छे मल्टीपल प्रोफेशनल बनाने के लिए हमने कोशिश किया है. तो ये कोशिश में हमारा फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर SR शुक्ला ये मेहनत किया है. ये डिड लॉट मोर वर्क एंड had a contact with Gadwal University to affiliate this course. So, उस समय में ये काफी सालों से मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के आने जाने एक अप्रूवल लेने के लिए. So, बहुत मुश्किल है to convince the registrar and the vice chancellor and other faculty staff members. So, ये सो मेरे साथ मेरा सही फ्रेंड है स्टाफ था मिस्टर ब्रजेश शर्मा. वो काफी अनुभव आदमी है कन्विंस करने वाले हैं. तो ये भी हमारे साथ आके ये सारे के सारे कन्विंस करके. सो 2006 में हमने इसको
अप्रूवल किया है, फिर अप्लीकेशन ले लिया 2007 में, एक साल का ये बीएमएससी बैचलर इन मूवमेंट साइंस एक कोर्स हमने शुरू किया है। तो ये दो साल रहा, तो टू कोर्सेस आई हैव रन। सर 2008 में मैं रिटायर्ड हो गया, तो उसके बाद भी ये कोर्स चला रहते, फिर ये कोर्स खत्म हो चुका था। तो मुझे मालूम है क्या कारण के साथ ये कोर्स खत्म हो गया, बट ओनली पीपल हु आर इन द सीट दे नो द रीजंस ऑफ इट, एंड इट इज आवर सजेशन नाउ दैट दिस कोर्स कैन बी रिवाइव्ड एंड कैन ब्रिंग द कोर्सेस अगेन इन सर, देन ओनली वी कैन मेक मेनी माइलस्टोन्स, मेनी हिस्ट्री वी कैन राइट इट नाउ। NIVH has certain number of histories on number of issues. So NIVH ka contribution hai towards the visually handicapped great hai. So yehi hai orientation and mobility training ke bare mein. So itna lamba safar hai, but it has got only 200 years of history. Not much in different places. It started in America, the training program, and it has gone to all over the places. Now it has well developed. It has well developed, and even there are number of inventions has been made, and in future time mein batayenge ye naya naya cheez is mobility mein kya aaya hai, aapko bataya jayega. So is samay ke liye mere beech mein दो लोग है बात करने के लिए, आई गिव देम टाइम एंड आई मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू द डायरेक्टर फॉर गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस टॉपिक एंड डिस्कस विथ यू एंड एंड आई आल्सो थैंकफुल टू ऑल माय ओल्ड फ्रेंड्स इन NIVH। सो दुरेराज को अच्छे पहचानते हैं लोग, क्योंकि कई साल से हमने काम किया है, and my office was in model school and in TCAB, and I used to take part in number of programs. I used to visit the number of universities, number of institutions to create awareness, to deliver lectures, to conduct more workshops and seminars. Mere peeche baat karne ke liye aane wale bacche bhi hai, do स्टाफ एक्सपर्ट्स है, ये मेरे स्टूडेंट है दोनों, तो हमें खुशी है। तो हमने पाया तो दो स्टूडेंट्स है, अब हमारा बराबर की बात करते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ NIVH, स्पेशली द स्टाफ टेक्निकल स्टाफ हु आर एट प्रेजेंट ब्रॉडकास्टिंग इट टू ऑल द पीपल एंड माय फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग टू। Thank you very much. I'll meet you next with different programs. Thank you so much. Thank you, sir. हमारे participants को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो आज ही हमें पता चली है, और आपने अपने अनुभव हमारे participants के साथ शेयर करे, थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे बीच में हैं नए स्पीकर श्री देवीलाल जी, जो कि निपट देहरादून में 2012 से मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व 2001 से लेकर 2012 तक आपने सीआरसी गुवाहाटी में एज मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर कार्य किया, और इससे पहले वो एक ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड दिल्ली में आपने अपने 8 साल एज ए मोबिलिटी स्पेशलिस्ट डिवोट किए। इनकी अगर काबिलियत की और कर्मठता की अगर हम बात करें, तो आपको 2018 में निपविड देहरादून के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड से विभूषित किया गया है। तो मेरा निवेदन है देवीलाल जी से कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देवीलाल जी। धन्यवाद मैडम। मैं डायरेक्टर साहब कमलबीर साहब और हमारे इंचार्ज TCAB ढलवाल साहब और मैडम लक्ष्मी मैडम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मौका दिया। और आज मेरा विषय है जो नए दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम किस रणनीति से सिखानी चाहिए,
यही हमारा आज का टॉपिक है। मैं इसी विषय पे आज बातचीत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और मैं इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस और छोटे छोटे वीडियोस भी इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको व्यवहारिक रूप से ये चीज़ें समझ में आए। जैसे कि आज हमारा विषय है स्ट्रेटेजीज फॉर ONM ट्रेनिंग टू एडवेंटिशियस विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन। इसमें ये बात उठती है कि कौन है एडवेंटिशियस विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन। इसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दो प्रकार के हम लोग विजुअल इम्पेयर्ड केसेस को डील करते हैं। एक तो वो जो कॉन्जेनेटल दृष्टि दिव्यांगजन है, जो जन्म से दृष्टिबाधित होते हैं, और दूसरे वो जो लोग उम्र के किसी पड़ाव पर दृष्टिबाधित हो जाते हैं। जन्म तो वो साइटेड के रूप में लेते हैं। अब दृष्टिबाधा उनको किसी न किसी वजह से, किसी बीमारी, ऑक्यूलर डिजीज हो या जनरल डिजीज या एक्सीडेंट या एसिड अटैक वगैरह के वजह से आई हो, लेकिन ऐसे लोग उम्र के किसी पड़ाव पर जाकर के दृष्टिबाधित हो जाते हैं, तो इनकी अलग प्रकार की समस्या होती है। अब इन इस प्रकार के लोगों में एक बात ये रहती है कि इनके विजुअल मेमोरी और विजुअलाइजेशन की जो एक क्षमता है वो इनमें प्रेजेंट रहती है, जो हमारे लिए आगे काम करती है, हम टीचर्स के लिए काफी मदद मिलती है। अगर हम बात करें कैटेगरीज की, तो तीन प्रकार के हम कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं। एक जुवेनाइल, दूसरे मिडल एज्ड और तीसरे एल्डरली पर्सन। जुवेनाइल में वो लोग हैं जो 5 या 6 वर्ष की उम्र से ऊपर, 18 वर्ष तक की उम्र तक दृष्टि बाधा जिनको होती है। मिडल एज में हम उन लोगों को शामिल कर सकते हैं जो 18 से 55 वर्ष के दरमियान हो, तथा एल्डरली में वो व्यक्ति जो 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। तीनों लोगों की समस्या अलग है। अगर जुवेनाइल की बात करें तो उसमें चांसेस रहते हैं, अगर अर्ली इंटरवेंशन हो, उनको देख लिया जाए तो चांसेस हैं, स्पेशल स्कूल वगैरह में हम उनको तालीम दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा उम्र हो, 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में, तो इनको काफ़ी दिक्कत आती है। मिडल एज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पर्सन यही लोग रहते हैं, मिडल एज ग्रुप वाले, क्योंकि ये कैरियर बनाने के बीच में, कैरियर को चुनने के समय, या नौकरी पेशा वाले लोग या फैमिली वाले लोग, तो ये लोग काफ़ी दिक्कतें महसूस करते हैं। एल्डरली पर्सन में वो लोग हैं जो 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, ये लोग पोस्ट रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के एजेज में होते हैं, तो इनकी समस्या, सभी की समस्या अलग अलग होती है। जहाँ तक समस्याओं की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, लोवेनफेल्ड ने पहले ही कहा है कि रेंज एंड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस में कमी आती है, और इसमें वैसे तो ये एजुकेशन से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस प्रकार के लोगों को भी इस लॉस से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आजकल के ज़माने में नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, 3 लिमिटेशंस व्यक्तियों के ऊपर इम्पोज हो जाते हैं ब्लाइंडनेस की वजह से। तो पहला है रेंज एंड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस में कमी हो जाना। वैसे तो ये एजुकेशन से संबंधित है, लेकिन अगर हम दैनंदिनी काम की बातें करें, दिनचर्या के काम की बात करें, तो यहाँ पर ये लर्निंग एक्सपीरियंस में बड़ी इनको दिक्कत होती है। मैं बता रहा था कि जो स्मार्टफोन वगैरह है, इसको चलाने में ये लोग काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, या दूसरे जो काम होते हैं जो वो रेगुलरली घर पे कर रहे होते थे, उससे उनको फोर्स्ड हटा दिया जाता है कि भाई अब आप नज़दीक मत जाइए, गैस के नज़दीक मत जाइए, आग के नज़दीक मत जाइए, या स्विच बोर्ड से आप दूर रहिए। तो इसका मतलब है जो उनको सीखना था, एक्सप्लोरेशन करने का जो चांसेस मिलने थे, अपॉर्चुनिटीज मिलनी थी, उनमें लॉस हो जाता है। दूसरा जो है मोबिलिटी की बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या इनको चलने फिरने से संबंधित ही है। इसमें क्योंकि अब ब्लाइंडनेस इनको हो चुका है, और पिछले 2-4 वर्षों से मेडिकल फील्ड में और
फिर उसके बाद में जब वो लीगली ब्लाइंड घोषित हो जाते हैं तो लोग घर वाले इनको एक कोने में रख देते हैं, तो वहाँ पर एक तो सेल्फ एस्टीम का लॉस होना, फिर अपने अपने ऊपर विश्वास कम हो जाना, इसके कारण वो चलने फिरने में अपने आप को अक्षम पाते हैं, जिससे दूसरी अन्य समस्याएं भी पैदा होती हैं, जैसे एजुकेशन आगे बढ़ना था या सोशलाइजेशन की समस्या, तथा तीसरी जो समस्या है आसपास के वातावरण में कंट्रोल न हो पाना कि भाई मेरे आसपास क्या चल रहा है उसकी सूचना इनको नहीं मिल पाती है, इंसिडेंटल लर्निंग से वंचित होना, ये बड़ी समस्या है। इनकी समस्या और भी है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। दूसरी जो समस्या है, जैसे कि मैं साइटलेस हो चुका हूँ, यानी कि वो अपने आप को, मान लीजिए अगर उनके पास थोड़ी बहुत रेजिडुअल विजन भी है, तो परिवार का प्रेशर या अपने आप को इतना अक्षम मान लेना कि यार मैं, मेरे को बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा है वाली स्थिति में अपने आप को पाते हैं। वो तो उनकी आंखें एक संस्था में जाकर के खुलती है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि संस्थागत जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इन जैसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। यहाँ आकर के वो देखते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ दृष्टि तो है, कुछ रेजिडुअल विजन है, कुछ लाइट परसेप्शन है, और बाकी लोगों को जो देखते हैं जो टोटल ब्लाइंडनेस के कैटेगरी में है, फिर भी वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं छड़ी की मदद से, तो अपने आप को वो पाते हैं कि यार मेरे पास जो दृष्टि है क्यों ना मैं उसका यूज करूं। तो ये मिथ है उनके अंदर डाल दिया जाता है कि भाई आप ब्लाइंड का ठप्पा लग गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आकर के देखते हैं, नहीं, मेरे पास जो दृष्टि है क्यों ना मैं उसका यूज करूं। दूसरा, अपने जीवन को ये अभिशाप के रूप में मानते हैं। हमारे देश में ये वर्षों से चला आ रहा है और आज भी ये है कि भाई पिछले जन्मों का पाप है, तो ये मन में उनके इतने घर कर जाता है कि वो अपने आप को कुछ ना कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित पाते हैं। फ्यूचर जब वो देखने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर में उनके कुछ नहीं है, तो ये हमें अपनी समस्या बताते हैं जब हम उनका असेसमेंट वगैरह करते हैं। कहते हैं भाई हमने अब म्यूजिक बजाना है या कुछ उभरे हुए अक्षर से, इस प्रकार की चीजें वो बताते हैं, और जॉब से संबंधित या आगे बढ़ने से संबंधित उनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता है। तो यहाँ पर उनकी इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, तो हमको भी ट्रेनिंग देते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और फैमिली के ऊपर डिपेंड होना, अगर आप उनसे बातचीत भी कर रहे हैं तो पता चलता है कि जवाब कोई और दे रहा है, जवाब कोई और दे रहा है, ये इतने अपने आप को लाचार महसूस करते हैं कि इनसे कोई बात पूछी जाए जवाब कोई और दे रहा होता है, इनके बिहा पर कोई और जवाब दे रहा होता है, और इसी प्रकार से वो समझते हैं भाई अब मेरा जीवन जो है, हो सकता है मैं कुछ तबला बजाना सीख लूं या म्यूजिक बजाना सीख लूं, इसी से मेरा गुजारा हो सकता है। होता क्या है, इन्होंने फिल्मों में ये सब चीजें देखी हुई होती हैं कि अपने आसपास के गांव क्षेत्र में इन्होंने इसी प्रकार के जो दीनहीन दशा में जो दृष्टिबाधित लोग घूम रहे हैं उनके आसपास, उन्होंने उसी को देख करके अपना एक परिकल्पना कर रखी होती है कि भाई मेरा भी जीवन यही इसी तरीके से बीतने वाला है। जहां तक मोबिलिटी की बात है, वो सोचते हैं कि मैं 10 काउंट करूंगा तो इस कमरे तक पहुंच जाऊंगा, 15 काउंट करूंगा तो मैं गेट तक पहुंच जाऊंगा, तो उनकी जो एक कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी के लिए वो ये है कि मैं कदम गिनता रहूं और मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता रहूं। तो ये इनकी अनेक समस्याओं में से ये एक है। नाउ अगर कोई बालक या बालिका ट्रेनी आपके सामने आते हैं, आपके समक्ष आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो असेसमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। संस्थागत जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उनका प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करें, तभी उनको प्लेसमेंट दें। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि कभी कभी अवांछित लोग जो नीडी नहीं होते हैं वो लोग भर्ती हो जाते हैं, एडमिशन हो जाता है उनका, तो वो दूसरी प्रकार की समस्याएं खड़ी करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट करते समय फिजिकल असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, ये एक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिजिकल असेसमेंट के लिए आप उससे बातचीत करते समय देखिए वो खड़ा हो पा रहा है या बैठ पा रहा है, उसके हाथ पैर तो नहीं कांप रहे हैं, या कोई शिवरिंग है या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक आर्डुअस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति ही इसको
कर सकता है, क्योंकि उसने आधा घंटे से लेके एक एक घंटे तक धूप में, बारिशों में और सर्दियों में चलना होता है, तो देखिए कि वो कर पा सकता है कि नहीं। मान लीजिए अगर वो उसके अंदर दूसरी समस्याएं हैं न्यूरोलॉजिकल, तो आप वन टू वन ट्रेनिंग के लिए उसको असेस कर सकते हैं, मैं इसको जो है हमें फिजिकल प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको छांट सकते हैं, भाई इसको स्पेशल हम ध्यान देंगे। मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मेडिकल हिस्ट्री में यह है कि आप जांच कीजिए कि क्या उसको आंखों में कुछ समस्या अभी भी है, क्या उसकी आंखों के इलाज अभी भी चल रहा है, कोई मेडिकल इंटरवेंशन में है क्या वो, क्या कोई दिमागी रूप से कोई इलनेस तो नहीं है, कोई कोई दवाई तो नहीं ले रहा है, कोई एपिलेप्टिक कोई दौरे तो नहीं पड़ते पिछले कुछ वर्षों से। इस प्रकार से आप जांच करेंगे, और अगर वो मेडिकेशन में है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, जब भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको शामिल करते हैं पीरियड में, तो आप कह सकते हैं भाई आप दवाई लेकर के चला करो, देखिए कि उसको कोई डायबिटी के केसेस तो नहीं है, कोई ओबिसिटी तो उसको नहीं है। ये मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है, ये हम लोग करते हैं, बल्कि जिन जिन संस्थानों में इस प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं उनको जरूर ये करना चाहिए। फैमिली सपोर्ट थोड़ा सा देख लीजिए कि फैमिली में उसका सपोर्ट कितना है, कि उसको आगे बढ़ने के लिए वो कितना सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप उसको काउंसलिंग दे सकते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड देखना जरूरी है, क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग, कोई स्पेशल स्कूल से तो पढ़ा लिखा नहीं है, या नॉर्मल स्कूल से पढ़ा है, कितने क्वालिफिकेशन उसने प्राप्त कर रखी है, तो मदद मिलती है हमें कि भाई इस व्यक्ति को हम, इस ऑडियंस, ये जो व्यक्ति है, हम इसको किस प्रकार से डील करें। मान लीजिए अब हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेटअप है वह उसमें बैच नहीं होते हैं, उसमें ये होता है कि इमरजेंसी बेसिस में एक व्यक्ति सीट छोड़ के जाता है, ट्रेनिंग पूरी होती है तो हम दूसरे व्यक्ति को शामिल करते हैं। ये बहुत आला दर्जे का सेटअप है, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया है उसको गाइड करने के लिए पिछले 2 महीने से पुराना जो सीनियर छात्र है उसकी मदद करता है, तो हमें यह देखना जरूरी होता है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड उस व्यक्ति का क्या है, उससे हम डील कर सकते हैं। इसी प्रकार से असेसमेंट करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि वो कोई किसी रिहेबिलिटेशन फील्ड से ऑलरेडी होके तो नहीं आ रखा है, कि किसी संस्था से ऑलरेडी उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है, उसको एक्सपोजर पहले से ही है, और ये टाइम बिताने के लिए हमारे पास में आ रहा है, तो इस प्रकार के लोग हमें काफी इन इन बच्चों को ट्रेनिंग करने से वंचित करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक्सपोजर मिल चुका है, वो ट्रेंड है। तो ये इस प्रकार के जो बच्चे हैं, मान लीजिए अगर उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो हम इनको छांट करके दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम उसको परसुएट कर सकते हैं कि आप जाइए दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम कीजिए हमारे संस्थाओं से। अब बात आती है कि एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन क्या हुआ कि आपने बालक को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर लिया। मैंने आपको पहले भी कहा है ट्रेनिंग ओरिएंटेशन मोबिलिटी में मेहनत बहुत लगती है, आपको चलना फिरना है, आप अनजाने साथियों से मिल रहे हैं, अनजाने जगह में है, तो तुरंत नए दृष्टि बाधित व्यक्ति को तुरंत आज कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी ट्रेनिंग मत शुरू कर दीजिए, उसको समय दीजिए रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स होने के लिए इसलिए क्योंकि आपको मालूम है 4-5 वर्षों के कन्फाइनमेंट से वो आज बाहर निकल के आया है, और आज ही उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के गए हैं। मैं जेन्युइन उनकी बातें कर रहा हूँ, जो लोग न्यूली ब्लाइंडेड हैं तो उसको थोड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, तो आप रिलैक्स होने दीजिए उसको, उसको समय दीजिए, ऑब्जर्व करें वो आसपास मेरे बगल में हो क्या रहा है, मेरे दाएं तरफ कौन है, बाएं तरफ कौन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं चला वो टीचर कौन है, स्टूडेंट कौन है, तो ऑब्जर्व करने दीजिए, उसको सुनने दीजिए, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करने दीजिए, और इस प्रकार से आप उसको कंडीशनिंग करें, उसको एक्लिमेटाइज करें। बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से हम सियाचिन में जाते समय फौजी लोग 2-3 महीने का उनको एक्लिमेटाइज करने के लिए मौका देते हैं। अच्छा, क्या ना करें, क्या ना करें, ये ना करें कि आप उसको तुरंत पहले दिन से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। क्यों? इसकी वजह यह है कि वो थोड़ा सा डर सकता है, और चलते फिरते समय मान लीजिए डिसबैलेंस हो जाए, कहीं फंबल हो जाए, तो उसके लिए जीवन भर के लिए रह जाएगा कि भाई हम पहले दिन गया और मेरे को चोट लग गई। उसको ये प्रेशर मत दीजिए, और इन्फॉर्मेशन के बम्बार्डमेंट मत कीजिए, तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, उसको सुनने दीजिए, उसको ऑब्जर्व करने दीजिए, और ये 2-4 दिन के बाद में जब उसको चीजें समझ में आने लगेंगी, भाई मेरे ये टीचर हैं, मेरे ये साथी हैं, हॉस्टल
इस प्रकार से खाना इस प्रकार से मिलता है, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, तब आप उसकी ट्रेनिंग के सेशंस शुरू कर सकते हैं। काउंसलिंग की बात है और कंडीशनिंग की बात है, दोनों एक साथ चलती हैं, बल्कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी भी एक साथ चलती हैं, लेकिन काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर आप किसी संस्था में हैं तो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के तरफ से ये काउंसलिंग हो तो बहुत बेहतर रहता है। वो अपने तरीके से ग्रुप थेरेपी हो या इंडिविजुअल थेरेपी हो, उसके माध्यम से बच्चों को ट्रेनिंग के ट्रेनिंग में परसुएट करते हैं लाने के लिए कि अब आप ट्रेनिंग कीजिए, या उसको दूसरे तरीकों से, दूसरे सिस्टम से उसको मदद करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, दूसरे कंसर्न टीचर के साथ, उसके दोस्तों के साथ और बैचमेट्स के साथ। और हॉस्टल में अगर रह रहा है, हॉस्टल में आए और जाए और वहाँ लोगों की बातें सुने, तो उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि वाकई वहाँ मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जो जीवन के इस कठिनाई के बावजूद भी हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करूं। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मोबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं स्टेजेस में बांटता हूं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, इस प्रकार से होना ये चाहिए कि इजी टू कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा जो जेन्युइन रिसेंटली ब्लाइंडेड जो व्यक्ति होते हैं उनको डर होता है, उनको अरे एक अनिश्चितता की भावना होती है, तो आप जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें बहुत आसान तरीके से शुरू करें। उनको इंडोर मोबिलिटी के सेशन से आप शुरू कर सकते हैं, साइटेड गाइड की तरीके, साइटेड गाइड का उपयोग इस समय आप करें। साइटेड गाइड में क्या होगा कि वो आपके साथ चलते समय सुरक्षित महसूस करेगा, उसको मालूम है कि मैं टीचर के साथ चल रहा हूँ। साइटेड गाइड करते समय ये ध्यान दें कि आप उसको ट्रेनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि मेहनत वाला काम है। आप जब दूसरे बालक अपने इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, छड़ी की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते हैं, आप उनके साथ उसको भी लगा दीजिए। टीचर के साथ साइटेड गाइड ट्रेनिंग करेगा तो उसको टीचर कॉमेंट्री कर सकता है, देखो आपके आगे जो व्यक्ति जा रहा है उसने ब्लाइंड फोल्ड पहना है, वो छड़ी में टू पॉइंट टेस्ट टेक्निक की मदद से देखो ये ऊपर जा रहा है, देखिए ये नीचे जा रहा है, तो उसको समझ में आने लगता है कि हाँ क्या मैं भी शायद कर सकता हूँ। इसी प्रकार से ट्रेलिंग, ट्रेलिंग उसको सिखाइए। ट्रेलिंग में क्या होगा, उसमें फिजिकल असिस्टेंट की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं, वो अपने हाथों के द्वारा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा एक रूम से दूसरे रूम तक आना जाना कर सकता है और छोटे मोटे टास्क वो निभा सकता है। इसी में, इसी कड़ी में आप अपर बॉडी प्रोटेक्शन और लोअर बॉडी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल उसको सिखा सकते हैं, कैसे वो पिलरों से, दरवाजों के कोने से अपने आप को बचाए। और इसी कड़ी में नंबरिंग द रूम्स, यानी कि दिमाग में एक मेंटल मैप बनाना आप शुरू कर दीजिए, रूम नंबर वन ये है, रूम नंबर टू, रूम नंबर थ्री, रूम के नंबर और वो उनके एड्रेसेस कि भाई इस रूम में कौन रहता है, इस रूम में वो रहते हैं, ये क्लर्क का रूम है, ये टीचर का रूम है, ये मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर का रूम है। उससे क्या होगा, एक मेंटल मैप उसका प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और आप बीच बीच में असेस भी करते रहिए, आप उसको टारगेट दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं जाइए प्रिंसिपल के रूम तक होके आइए। आप जाते समय लेकिन ध्यान दें, दो कदम पीछे रहें और देखते रहें कि भाई साहब ये कहीं चोट तो नहीं लगा लेंगे, क्यों आज स्टेज वन है तो आपने थोड़ी सावधानी बरतनी है। ये कुछ पिक्चर्स हैं साइटेड गाइड टेक्निक के, इसमें जो बालक है, ट्रेनी है, वो साइटेड व्यक्ति की कोहनी पकड़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आधा कदम गाइड से दूर रहेगा। जी आवाज स्लो आ रही है सर, थोड़ी आपकी। जी इसी प्रकार से ट्रेलिंग, ट्रेलिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि जो न्यूली ब्लाइंड होते हैं वो वियरिंग करते हुए चलते हैं। वियरिंग क्या होता है, जब ये न्यूली ब्लाइंड व्यक्ति आते हैं तो उनको एक स्ट्रेट लाइन में चलना उनके लिए दिक्कत होती है, तो उनको आप ट्रेलिंग की मदद से दीवार में या रेलिंग की मदद से, या दरवाजे या दीवार को छूते हुए, रेलिंग को छूते हुए वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। बहुत उम्दा ट्रेनिंग है स्टार्टिंग के लिए। और जहां तक अपर बॉडी प्रोटेक्शन की बात है, अक्सर वातावरण में दिक्कत क्या आती है, पिलर्स हैं, दरवाजे हैं, ये बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं। और स्टार्टिंग में अगर उनको चोट लगे, चाहे सिर पे लगे या लोअर बॉडी में, ये मैं पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, हैंगिंग हैजार्ड है या लोअर बॉडी का प्रोटेक्शन करते समय किस प्रकार से वो अपने हाथों का प्रयोग करेगा,
अपने हाथों को 1-1.5 फीट के दूरी पर रखेगा अगर वो अपने सिर को बचा रहा है, इसी प्रकार से बॉडी के नीचे वाले हिस्से को बचा करके वो चलेगा, खासकर मेजों से, कुर्सियों से। स्टेज टू में इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। स्टेज टू में आउटडोर मोबिलिटी के सेशन हम शुरू कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग कैन का इस्तेमाल होगा। और ध्यान ये रखना है जो टारगेट है वो बहुत इजी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट बी आपका हुआ डेस्टिनेशन। और ये जो रास्ता है, ये जो ट्रेवलिंग पॉइंट है, ये बड़े स्ट्रेट होने चाहिए, इसमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो। और आपको ऐसे कंडीशन क्रिएट करने पड़ेंगे जिसमें कि बालक छड़ी की मांग करे, और छड़ी जैसे ही आप उसको प्रोवाइड करें, और कोई भी टेक्निक से आप उसको बुला सकते हैं, भाई आओ गेट तक आइए, आप ऑडिबल क्लू दे करके उसको गेट तक बुलाएं, और कोई भी रॉ टेक्निक वो यूज कर रहा है करने दीजिए, लेट हिम एक्सेप्ट द केन। और जहां उसको टू पॉइंट टच टेक्निक के माध्यम से सिखाना शुरू करें। शुरुआत में आप लीजिए बहुत आप दीवार और रोड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिससे कि उसको एक्सप्लोर करने में आसानी हो, वो मैं आपको थोड़ी देर में तस्वीर में बताऊंगा। और ट्रेनी को फील करने दीजिए कि पॉइंट बी तक वो पहुंच चुका है, डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है, किसी ऑडिबल या टेक्चुअल इंफॉर्मेशन के माध्यम से। और ध्यान ये रखना है कि ये बिगिनिंग है तो आपने उसको फिजिकल असिस्टेंस भी देना है और वर्बल क्लू भी आपको देते रहना है सपोर्ट सिस्टम के लिए, ताकि उसको एंग्जाइटी ना हो। इसमें आप ये कर सकते हैं कि पॉइंट ए जो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, मान लीजिए क्लासरूम से गेट तक जाना चाहते हैं जो कि 100 मीटर तक हो, इससे ज्यादा ना हो, और 100 मीटर ए पॉइंट से जाएगा और बी पॉइंट यानी कि उस गेट से टच होकर के उसकी छड़ी से मालूम चलेगा भाई मैं गेट तक आ गया हूँ, से वहां से वापस तुरंत पॉइंट ए तक, यानी कि आज उसने 100 मीटर की दूरी कवर की। टू पॉइंट टच टेक्निक क्या होता है, टू पॉइंट टच टेक्निक जब व्यक्ति छड़ी चलाता है तो दाएं कंधे से बाएं तक कंधे तक की दूरी को वो कवर करते हुए चलता है, जिससे उसके दो शरीर के दोनों पक्ष सुरक्षित रहे। और शोर लाइन टेक्निक बिगिनर्स के लिए एक मजबूत सा शोर लाइन टेक्निक उसको बताइए, जैसे कि तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ दीवार और फुटपाथ। ये बच्चों को या ट्रेनीज को इसको समझने में बड़ी आसानी होगी और वो जो हम कहना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट उसको वो समझ जाएगा। जहां तक स्टेज थ्री की बात है, इसमें आप थोड़ी सी कठिनाई उस वाला रूट दे सकते हैं, पॉइंट ए तो आप उसको मालूम है से पॉइंट सी तक, पॉइंट सी आज उसका डेस्टिनेशन है और कल उसने पॉइंट ए से बी तक यात्रा की थी, तो पॉइंट ए से बी जाएगा, फिर बी से बी को लैंडमार्क मानते हुए वो पॉइंट सी तक जाएगा। आज आपने लैंडमार्क का कॉन्सेप्ट भी अपने दिमाग में डाला। और क्या आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं शोर लाइन टेक्निक, आज उसको दीवार और फुटपाथ से हटा करके ग्रास लाइन वाली टेक्निक या ग्रास लाइन आप उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। ग्रास लाइन दीवार के मुकाबले थोड़ी सी कठिन है, और बेसिक केन टेक्निक के बारे में उसकी जो निटिग्रिटी है, जो छोटे छोटे उसमें जो टेक्निक्स हैं उसको फाइन करते चले जाइए, ग्रिप कैसे करना है, छड़ी की दूरी कितनी होनी चाहिए, स्टेप कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से हो, और स्क्वायरिंग ऑफ, क्योंकि पॉइंट बी जो कि लैंडमार्क का काम कर रहा है वहां पर वो स्क्वायरिंग ऑफ करेगा, स्क्वायरिंग ऑफ और डायरेक्शन टेकिंग टेक्निक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप देना शुरू कीजिए। और उसके ओरिएंटेशन स्किल को बढ़ाने के लिए रिमेनिंग सेंसेस का इस्तेमाल करना बताइए, उसको बताइए जिस सरफेस में वो चल रहा है महसूस करे, वो रफ है, स्मूथ है, घास वाला है, मिट्टी वाला है, रोड है या पगडंडी है, पांव से और हाथों में महसूस कराने के लिए बोलिए कि कोई दीवार घूम रही है क्या, हाथ छड़ी से दूर होती चली जा रही है क्या, ये सब चीज उसको धीरे धीरे बताना शुरू कीजिए। उसको एनकरेज कीजिए पॉइंट सी तक जाए, पॉइंट बी तक तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे लेकिन वर्बल प्रॉम्प्ट से ही आप काम चला सकते हैं। और फिजिकल प्रॉम्प्ट अगर जरूरत पड़े तो आप दें, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। और इस सेशन को आप 8 से 10 दिन तक रिपीट करा सकते हैं जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब तक उसके अंदर डर की भावना न चली जाए, ये सेशन आप 8 से 10 दिन तक चला सकते हैं। ये स्क्वायरिंग ऑफ का नमूना है। स्टेज 3 जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें देखिए
पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट है और बी आपका लैंडमार्क हो गया और सी डेस्टिनेशन. ये थोड़ा सा कठिन है कल के मुकाबले या कल पुराने स्टेज से. इसी प्रकार से स्टेज फोर में ये चीजें और कठिन होती चली जाएंगी. इसमें आप पॉइंट ई और डी और एफ भी जोड़ सकते हैं और इसमें नए नए केन टेक्निक का आप शामिल कर सकते हैं. डायगोनल टेक्निक, केन केन का प्रयोग असेंडिंग करते समय और डिसेंडिंग करते समय, टच एंड ड्रैग, इस प्रकार के नए नए चीजें आप इसमें डाल सकते हैं. और इसमें आपने वही फीडबैक लेना है, उसके अंदर बालक के अंदर मेंटल मैप को क्रिएट करना है. आप डिस्कस करें आज हम किस प्रकार से गए थे और आज थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताइए. तो ये मैप है आज बालक जो है या ट्रेनी जो है किस प्रकार से एक पूरे एनवायरनमेंट को राउंड लगा लेता है. डायगोनल टेक्निक इस प्रकार से हम करते हैं और छड़ी के माध्यम से सीढ़ी में चढ़ना और छड़ी के माध्यम से सीढ़ी से उतरना, ये बहुत जरूरी है. इसमें हम ए बी सी का प्रयोग लेते हैं. ए से एंकरिंग, यानी कि सीढ़ी जैसे ही आपके समक्ष आती है उसमें एंकर करें, फिर वो पांव से टूल से बेस बेस लाइन पता करें और सी क्लियर क्लियर करके वो सीढ़ी पेंसिल ग्रिप करके अपने छाती के सामने पेंसिल ग्रिप करके अपने से अगले वाले सीढ़ी के एज को छूते हुए, रेलिंग है तो रेलिंग की मदद से सीढ़ी का प्रयोग करते हुए ऊपर जाए, इसी प्रकार से वो नीचे आए. स्टेज फाइव में और थोड़े कठिन हम लोग चीजें शामिल करते हैं. इसमें जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए ए बी सी डी, उनका आपस में हम रिलेशनशिप स्थापित करते हैं. बी से बी तक कैसे जाना है या बी से एफ तक कैसे जाना है, ये हम इस स्टेज में बताते हैं. ये मैं मैप के माध्यम से आपको बता रहा हूं. स्टेज सिक्स, स्टेज सिक्स ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, यानी कि जो उसने आज तक सीखा ट्रेनीज ने, वो अब इसका इस्तेमाल बाहरी दुनिया में कैसे करेगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते समय कैसे करेगा. यहाँ पर वो जितना भी उसने नॉलेज सीखा है वो आज प्रयोग में लाएगा. अगर आप देखेंगे तो स्टेज वन में वो अपने घर या इंस्टीट्यूट के आसपास था, स्टेज टू या थ्री में उसने अपने आसपास के गांव क्षेत्र को कवर किया और स्टेज थ्री या फोर में उसने अपने जो बाहरी क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल तक या मेट्रो सिटीज तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है. इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी के बड़े फायदे हैं. पर्सनल डेवलपमेंट व्यक्ति का होता है जिसमें वो फर्स्ट हैंड नॉलेज गेन करता है, उसको दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती कोई भी नॉलेज को गेन करने के लिए. सेफ एंड इंडिपेंडेंट मूवमेंट उसका होती है. सोशल इंटीग्रेशन में इसमें बड़े फायदे होते हैं. कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ता है तथा ये व्यक्ति जिसको आज हमने ओरिएंटेशन मोबिलिटी सिखाई है, जो कल तक चलने फिरने के लिए कोशिश नहीं कर पा रहा था, आज वो रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी जाना चाहता है. थैंक यू वेरी मच. आई बिलीव मिस्टर दुरई राज वुड बी प्राउड ऑफ हिज स्टूडेंट व्हेन ही सॉ दिस प्रेजेंटेशन. ही हैज प्रेजेंटेड दिस एंटायर प्रेजेंटेशन विद फुल कॉन्फिडेंस. अब इनफैक्ट मिस्टर दुरई राज ने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को कवर किया और साथ साथ में उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताई और देवीलाल जी ने जो जितना प्रैक्टिकल हम करते हैं फील्ड में जाके उसको उन्होंने थ्योरेटिकली काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर किया. तो अब हम इनवाइट करेंगे मिस्टर विकास मिश्रा को. और मुझे अच्छी तरह याद है जब इंस्टीट्यूट में हम एंटर करते थे तो इनको अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिकल करते हुए देखते थे अर्ली इन द मॉर्निंग. अब विकास मिश्रा जी लखनऊ चले गए हैं और सीआरसी लखनऊ में हैं एज इंस्ट्रक्टर एंड डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर स्पेशल एजुकेशन वीआई. 2016 से लखनऊ में है. इससे पहले 2010 से लेकर 2018 तक एनएवीएच में, 2016 तक एनएवीएच में रहे और इनका कहना है कि अब तक ये लगभग 1500 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं. और आज का ये जो वेबिनार है ये हम टीसीएबी की पूरी टीम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, जिसमें हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भावना जी और सब लोग भी इन्वॉल्व हैं. लक्ष्मी जी ने इसकी पूरी वेबिनार की प्लानिंग की और डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल जी से गाइडेंस मिली, साथ में पूरी टीम
इसमें सभी राजेंद्र नेगी जी, नितिन और विजेता अलका सब लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं। तो इस टीम की ओर से अभी आने वाले समय में आपको और भी कुछ वेबिनार बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े एक्साइटिंग मिलने वाले हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब भी हम लोग एडल्ट एजुकेशन से संबंधित या ट्रेनिंग से संबंधित कोई वेबिनार करें तो आप लोग ज्वाइन करें। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं निवेदन करूँगा विकास मिश्रा जी से कि वो आए, और अब दुराई राज जी को उनका भी प्रेजेंटेशन देखकर उनके सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए विकास मिश्रा जी। थैंक यू सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डायरेक्टर NIEPVD श्री सुरेंद्र ढालवाल सर को, सॉरी अब तो डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल सर हैं, और हमारी लक्ष्मी मैडम जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और साथ साथ में मेरे गुरु जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये दुराईराज सर, मैंने उनको सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद सर को सुन पाया हूँ, तो सर की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ और इस प्रेजेंटेशन को देने लायक बना हूँ, तो थैंक यू सर। साथ साथ में सर कमलवीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक अवसर दिया इस प्रेजेंटेशन को, इस वेबिनार में शामिल होने के लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें सुनी और बहुत सारे ट्रेनिंग के बारे में हमारे देवीलाल सर, दुराईदास सर ने बहुत कुछ बताया। मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ आम बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी, जैसा कि मुझे सिखाया गया है कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी इज द गेट वे ऑफ रिहैबिलिटेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, किसी भी दृष्टि दिव्यांग बच्चे का जब भी हमें रिहैबिलिटेशन करना है, पुनर्वास करना है, तो हमें ओरिएंटेशन और मोबिलिटी उसका स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का जो एरिया है उसमें उसे जरूर ट्रेन करना होगा, ये मुझे सिखाया भी गया है और मुझे लगता है कि ये 100% सही है। और किसी भी बच्चे की, किसी भी छात्र की जो कि दृष्टि दिव्यांग है, उसकी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी सबसे पहले उसकी फैमिली से, उसके परिवार से स्टार्ट होती है। अगर वो परिवार उस बच्चे को अवसर देता है, उस बच्चे का साथ देता है और हर मौके पर उसको आगे बढ़ाने को सोचता है, तो वो जरूर ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में स्ट्रांग होता है। लेकिन बाउंडेशन, उस बच्चे को एक एरिया में बाउंड कर देना, वो उसकी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को बहुत हद तक प्रभावित करता है। फैमिलीज में क्या होता है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को लेकर, जो दृष्टि दिव्यांग बच्चा है उसकी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को लेकर बहुत बड़ी चिंता होती है कि हमारा बच्चा एक जगह से दूसरी जगह अगर गया तो कहीं चोट ना लग जाए, मतलब सिक्योरिटी बहुत होती है, और वो अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह जाने देने के लिए बहुत सोचता है कि उसको जाने देना है कि नहीं जाने देना है। तो यहीं से ओरिएंटेशन और मोबिलिटी प्रभावित होती है। अगर हम उसको अवसर दें, उसको चांस दें और एक पेशेंस रखें कि हमारा बच्चा आज नहीं कल एक जगह से दूसरी जगह आना जाना सीख सकता है, अगर हमने उसको प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दिया या प्रॉपर उसको गाइड किया, तो वो जरूर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको, जो कि मैंने बहुत सारे वेबिनार से ही लिया है। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ कि देखिए, मुझे एक एग्जाम्पल मिला, अभी दुराईराज सर का माइक ऑफ हुआ, और माइक ऑफ होने के बाद में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे उनमें कहीं ना कहीं मतलब ये बताने की चेष्टा हुई कि हम उनको बोलें कि उनका माइक ऑफ है या ऑन ऑन नहीं है, जबकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बैठी हुई है उसको डील करने के लिए, तभी भी हम इम्पेशेंट हैं, हमने धैर्य खोया और हमने क्या किया कि तुरंत बोलने लगे कि सर आपका माइक यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ऑफ होगा। यही धैर्य जब हम परिवार में होते हैं और अपना, हमारा जो बच्चा है जो दृष्टि दिव्यांग है, यही धैर्य हम नहीं रख पाते, और इसी धैर्य के ना होने की वजह से हमारा बच्चा ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि फैमिली का
सपोर्ट और सपोर्ट के साथ साथ में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे की ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए। दूसरा, जब वो स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल में उसके टीचर्स हैं जो कि उसे ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की शिक्षा देते हैं, उन टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के बारे में सब देवीलाल सर ने आपको बताया ही है। अब जो अभी प्रेजेंट टाइम में देखा गया है कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए जो भी हमारे दृष्टि दिव्यांग लोग हैं, जो भाई बहन हैं, वो बहुत ज्यादा समस्या में हैं कि किस तरीके से ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को हम डील करें, किस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी दृष्टि दिव्यांग बच्चा या एडल्ट अपनी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए अपनी रिमेनिंग सेंसेस पे ही निर्भर होता है, चाहे वो टच हो, चाहे वो ऑडियो हो या जो दूसरी रिमेनिंग सेंसेस हैं वो हो, लेकिन सबसे ज्यादा वो जो डिपेंड है वो अपनी टच सेंस और ऑडियो सेंस पे पूरी तरीके से डिपेंड है। कोरोना वैश्विक महामारी के आने से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है टच सेंस पे पड़ा है कि वो स्पर्श करके अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वायरस है वो टच के माध्यम से फैलता है। तो किस तरीके से हमारे विजुअली इंपेयर्ड सेफ रहें और किस तरीके से अपने आप को इस वायरस से बचा के रखें, उसके बारे में थोड़े छोटे 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 मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। सबसे पहले, हम सभी जानते हैं कि हमारे मुंह पे एक मास्क होना चाहिए जिससे कि हम खुद सेफ रहें, और दूसरी चीज है कि हमारे हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी टच करें तो ग्लव्स हमें अगर उस सरफेस पे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी गंदी चीज है उससे हमें बचाए। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में जो सर ने बताई थी बेसिक टेक्निक, ट्रेलिंग, सबसे पहले मैं ट्रेलिंग टेक्निक पे बताना चाहूंगा। ट्रेलिंग टेक्निक के लिए सबसे जरूरी है कि आपके हाथों में अगर ग्लव्स रहेगा, आप किसी बॉल को अगर छू के निकलते हैं या किसी भी रेलिंग पे आप ट्रेल करते हैं तो वो वायरस आपके हाथों में नहीं लगेगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं एक फोटो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, एक इमेज है मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूं इस इमेज के जरिए कि ये इमेज है। इस इमेज के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मैं ट्रेल कर रहा हूं और ट्रेलिंग करने पर मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, मेरे हाथ में छड़ी है, छड़ी भी मैंने जो जिस हाथ से पकड़ी है उसमें भी ग्लव्स हैं, तो कहीं से भी वायरस मेरे हाथों में नहीं आ सकता। ये ट्रेलिंग की बात रही। ट्रेलिंग को हम इस तरीके से करें तो ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर एक जगह से दूसरी जगह बाय टच अगर हम टच भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब दूसरी टेक्निक पे आते हैं कि हम लोग जो विजुअली इंपेयर्ड भाई बहन हमारे वो एक जगह से दूसरी जगह छड़ी के माध्यम से जाते हैं। छड़ी के माध्यम से जब वो एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी करते हैं तो या तो वो लॉन्ग केन का यूज करते हैं और या तो वो फोल्डिंग केन का यूज करते हैं। मुझे लगता है कि इस महामारी के समय ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग लॉन्ग केन का यूज करें। वो इसलिए क्योंकि लॉन्ग केन को आपको सैनिटाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि अगर फोल्डिंग केन को अगर हम सैनिटाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि फोल्डिंग केन कई फोल्ड में बनी रहती है तो उसको सैनिटाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम फोल्डिंग केन को लेकर मोबिलिटी करते हैं तो फोल्डिंग केन को जब हमारी मोबिलिटी फिनिश हो जाती है, जब मोबिलिटी खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि फोल्डिंग केन को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। अब देखिए, जब हमने फोल्डिंग केन को यूज किया तो उसकी टिप जमीन पर टकराई और हमें नहीं पता है कि जमीन कितनी गंदी है और उसमें किस चीज से हमारी छड़ी टकराई है, उसकी टिप किस चीज से टकराई है, और हमने क्या किया कि उसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद अपनी पॉकेट में रख लिया। पॉकेट में आपका मोबाइल हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, आपका हैंकी हो सकता है,
तो वो वायरस क्या हुआ कि जमीन से और आपकी पॉकेट में आ गया। अगर आपको फोल्डिंग केन का यूज ही करना है तो कोशिश करें कि आप अपनी जो फोल्डिंग केन है उसको प्रॉपर एक पाउच में रखें। उस पाउच को अगर आप अलग रखेंगे और उस पाउच में ही फोल्डिंग केन को रखेंगे तो वो आपके जो कपड़े हैं उनको गंदा नहीं कर पाएगा और वो वायरस आपके कपड़ों में नहीं पहुंच पाएगा। सबसे पहला, फोल्डिंग केन को सैनिटाइज करना मुश्किल है। दूसरी चीज, फोल्डिंग केन को जब फोल्ड करके हम लोग पॉकेट में रखते हैं तो जो वायरस है वो हमारे शरीर तक पहुंच सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि लॉन्ग केन का यूज करें। लॉन्ग केन को इजीली सैनिटाइज कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग केन एक पूरे पाइप की बनी होती है जो कि हॉलो पाइप है, शेफ्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, और ऊपर से नीचे तक उसे हम लोग आराम से उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए मुझे लगता है कि हर किसी व्यक्ति को, अगर वो विजुअली इंपेयर्ड है, तो उस व्यक्ति को लॉन्ग केन टेक्निक, जो कि बेसिक केन टेक्निक है, टू पॉइंट टच टेक्निक करके जो लोग हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस टेक्निक को बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। क्योंकि अगर लॉन्ग केन टेक्निक में हम लोग स्ट्रांग हैं, लॉन्ग केन टेक्निक को सही तरीके से जानते हैं, तो इंडिपेंडेंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मोबिलिटी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग केन टेक्निक को सही से नहीं जानते तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी व्यक्ति की हेल्प लेनी पड़ेगी। लॉन्ग केन टेक्निक को लेकर मैं जा रहा हूं और मैं कहीं पे पहुंचा और अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें साइटेड व्यक्ति की हेल्प लेनी पड़ती है, साइटेड गाइड की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो वहां पे साइटेड गाइड की हेल्प लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, साइटेड गाइड की हेल्प जब भी लेनी हो तो हम लोग क्या करें, मैंने पहले भी बताया कि ग्लव्स का यूज करें। उसके बाद में कभी कभी ये भी होगा कि जो साइटेड पर्सन है वो सोचेगा कि हम आपको हेल्प दें या ना दें। ये भी एक सिचुएशन आएगी क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है तो बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति तैयार हो आपको हेल्प देने के लिए। हेल्प देने के लिए अगर वो तैयार हो गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करें, अगर आपके पास छड़ी है तो छड़ी के जरिए आप सोशल डिस्टेंसिंग बना सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप कोशिश ये करिए कि अपनी पॉकेट में एक सैनिटाइजर की छोटी बॉटल जरूर रखिए। दूसरी चीज, आपने अपने पास में छोटे छोटे टिश्यू पेपर रखिए। आप टिश्यू पेपर हर कहीं मार्केट में मिल जाएंगे और बहुत रीजनेबल रेट में मिलेंगे, बहुत महंगे नहीं होते हैं। टिश्यू पेपर अपनी पॉकेट में रखे रहिए, 10-15-20 टिश्यू पेपर रख लेते हैं, कोई उसमें वेट नहीं होगा, आराम से आप उसको कैरी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जैसे ही आपको साइटेड व्यक्ति की हेल्प लेनी हो, आप छड़ी के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से बना सकते हैं, मैं एक इमेज के थ्रू आपको फिर दिखा रहा हूँ। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं ऐसे ही बता, कोई बात नहीं विकास जी, आप डिस्क्राइब कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप कर सकते हैं कि छड़ी का जहाँ पे ग्रिप है वो विजुअली इम्पेयर्ड उसको पकड़ा रहेगा और जो छड़ी का जो टिप है, टिप वाला पार्ट है, उस पार्ट को साइटेड व्यक्ति पकड़ सकता है। साइटेड व्यक्ति को आप अपनी पॉकेट से निकाल कर एक नैपकिन, एक टिश्यू पेपर उसे दे देंगे। टिश्यू पेपर उसके पास होने से वो क्या करेगा, वो टिप को टिश्यू पेपर के द्वारा पकड़ लेगा। टिश्यू पेपर के द्वारा पकड़ने पर टिप से उसका हाथ गंदा नहीं होगा और जब दोनों चलेंगे साथ साथ में तो क्या होगा कि जो छड़ी है वो एक डिस्टेंस क्रिएट करेगी, जिस डिस्टेंस के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी, मतलब दोनों के बीच में एक प्रॉपर दूरी रहेगी, डिस्टेंस रहेगी। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि इसमें जो है रबर बैंड का यूज हो सकता है, किसी और चीज का यूज हो सकता है, लेकिन मैं नैपकिन प्रिफर इसलिए करूंगा क्योंकि नैपकिन को आप आराम से डिस्पोज कर सकते हैं, जबकि रबर बैंड को डिस्पोज करना सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं पड़ी रहेगी, वो डिस्पोज नहीं होगी। तो कोशिश करें कि नैपकिन का यूज करें और नैपकिन जैसे ही वो व्यक्ति आपको, जो साइटेड पर्सन है,
वो व्यक्ति आपको रोड क्रॉस करा देगा, वैसे ही नैपकिन निकाल के आप उसको डिस्पोज करके किसी भी डस्टबिन में फेंक दीजिए, और जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है वो अपनी पॉकेट से जो भी सैनिटाइजर है वो सैनिटाइजर निकाल के हाथ पे डालेगा, और हाथ में डालने पे क्या होगा कि जो साइटेड पर्सन है अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर लेगा। इसमें क्या हुआ कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी हुआ, साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रही, और ना तो विजुअली इम्पेयर्ड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम हुई और ना ही एक साइटेड व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई, एक वो एक दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। अब कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जो विजुअली जो साइटेड व्यक्ति है वो ये भी करे, वो बोले कि नहीं मैं आपको रोड क्रॉस नहीं कराऊंगा, मैं आपकी छड़ी को टच नहीं कराऊंगा, मैं आपको ये इस तरीके से नहीं रोड क्रॉस करा सकता हूं। तो एक मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वो व्यक्ति जो साइटेड व्यक्ति है वो रोड क्रॉस करा सकता है। देखिए इस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, हमारे साथ एक डेमो के रूप में एक दृष्टि दिव्यांगजन सामने है, और मैं इन्हें कैसे आवाज के माध्यम से रोड क्रॉस कराता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मुझे उनसे पूछना है कि आपको क्या कोई सहायता चाहिए है, आपको रोड क्रॉस करना है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे सहायता चाहिए, मुझे रोड क्रॉस करना है, तो सबसे पहले मैं रोड के बीच में आऊंगा और दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक लूंगा। अगर ट्रैफिक दोनों तरफ से आ रहा है तो दोनों तरफ से रोक लूंगा, वरना लेफ्ट साइड बाई तरफ से आते हुए ट्रैफिक को मैं रोक लूंगा, जिससे कि ट्रैफिक अपनी जगह पर रुक जाएगा। अब मैं क्या बोलूंगा, जो सामने दृष्टि दिव्यांगजन है मैं इनको बताऊंगा कि मैं ताली बजाऊंगा या मैं आवाज दूंगा, उसी डायरेक्शन में आपको आना है, इस तरीके से मैं ताली बजा रहा हूं, आपको ताली के डायरेक्शन में आना है। देखिए एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ कि साउंड के माध्यम से भी एक विजुअली इम्पेयर्ड को रोड क्रॉस कराया जा सकता है। इवन अगर हम कहीं और भी उसको मान लिया कोई डायरेक्शन बताना चाहते हैं या कहीं किसी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो साउंड का सहारा ले सकते हैं और साउंड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। साथ साथ में अगर जो इंस्टीट्यूट हैं या जो सेंटर हैं जो कि इस तरह विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो स्कूल्स वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह बनाई गई हैं तो वो भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती हैं, जिन मॉडिफिकेशन के जरिए एक विजुअली इम्पेयर्ड को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी करने में आसानी हो सकती है। अगर मेरा सीआरसी है और सीआरसी के बाहर अगर मैं एक ऑडिबल क्लू लगा दूं, ऑडिबल क्लू मतलब एक ऑडियो लग जाएगा और वो ऑडियो बोलेगा कि सीआरसी लखनऊ में आपका स्वागत है। अब उस ऑडियो के सहारे जैसे उसने बोला सीआरसी लखनऊ में आपका स्वागत है, तो कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड जो उस रास्ते से मूव कर रहा है और जो सीआरसी को ढूंढ रहा है उसको आसानी से पता चल जाएगा कि सीआरसी लखनऊ कहां पर है और सीआरसी लखनऊ में कैसे कैसे इंटर करना है, किधर से जाना है। वहां पे बाहर गार्ड रहेंगे जिनसे कि वो मदद ले सकता है, हेल्प ले सकता है। तो इन ऑडिबल क्लू के माध्यम से भी कोई भी संस्थान ये अगर मॉडिफिकेशन करे तो इजीली एक विजुअली इम्पेयर्ड को छोटा सा क्लू या कुछ ऐसा सहारा मिलेगा जिसकी वजह से वो अपनी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी आसानी से कर सकता है। लेकिन जरूरी है कि कोशिश ये की जाए कि इस समय इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अगर हम कोई हेल्प भी ले रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से हेल्प लें, कोशिश करें कि घर के व्यक्ति के साथ ही जाएं, घर के व्यक्ति के साथ ही साइटेड गाइड का यूज करें, क्योंकि मतलब हम बहुत सारी इन मॉडिफिकेशन को अगर करते भी हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चांस रहता है कि हो सकता है
वायरस कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर इंटर हो, लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो इन मॉडिफिकेशन के जरिए हम अपनी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी आसानी से कर सकते हैं। सबसे जरूरी है जो मैंने पहले भी अभी बताया है कि अगर लॉन्ग कैन टेक्निक को सही तरीके से सीखा जाए तो किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी और हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ओरिएंटेशन और मोबिलिटी कर सकते हैं। देवीलाल सर ने बहुत सारी चीजें बताई कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए जो लॉन्ग कैन टेक्निक है उसको कैसे कैसे किन फेजेस में किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अगर इन इस तरीके से इन स्टेजेस से होकर ट्रेनिंग प्रॉपर गुजरी है तो विजुअली इंपेयर्ड को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं हटकर है। वास्तविकता ये है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में लगभग 80% पर्सन ऐसे हैं जो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। विजुअली इंपेयर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर का ना होना, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग का प्रॉपर ना होना, ये कहीं ना कहीं इसका कारण है। इससे पहले जो अपना वक्तव्य जो उद्बोधन दिया था हमारे डायरेक्टर NIAPBD डॉक्टर हिमांशु दास ने, उन्होंने बताया था कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का कितना इम्पोर्टेंस है, और ओरिएंटेशन और मोबिलिटी अगर है तो किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत सारे रिहेबिलिटेशन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी पे प्रॉपर अटेंशन दिया जाए, अच्छी तरीके से सीखा जाए, जिससे कि वो जो भी दृष्टि दिव्यांग है वो इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। थैंक यू, बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास। थैंक यू मैम। अब हमने ये वक्तव्य सुना, तीन प्रेजेंटेशन सुनी, और तीनों में जो विविधता थी वो हमारे सामने है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी आ गया और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो देवीलाल जी ने दिखाई वो भी आ गई, और आज के संदर्भ में विकास मिश्रा जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो सब हमारे लिए बहुत रेलेवेंट था। और वेबिनार का जो NAVH की वैसे भी एक जो इमेज है, कॉस्मोपॉलिटन इमेज, वो हमने बरकरार रखने का प्रयास किया इस वेबिनार में भी, क्योंकि दूर दूर से लोग हमारे साथ आज जुड़े, साउथ से कुछ लोग हैं और मध्य प्रदेश से कुछ लोग हैं, लखनऊ से तो विकास जी हैं और भी लोग हैं, इसी तरह से अलग अलग स्टेट से लोगों के जुड़ने से हमें ये एहसास होता है कि आप इसकी जो आजकल वेबिनार हम लोग करवा रहे हैं उसकी रेलेवेंस आप लोग समझ रहे हैं और उसकी यूटिलिटी क्या है आप लोगों की लाइफ में वो आप उसका एहसास कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि क्वेश्चंस आप लोगों के हम नहीं ले पाते। हम एक ऑप्शन दिया करते हैं जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चन टेक्स्ट कर सकते हो हमें, और वो रिटन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग दे सकते हैं, लेकिन आज ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से उन सब लोगों का, लेकिन धन्यवाद की एक जो एसेंशियल औपचारिकता मुझे लगती है वो एसेंशियल औपचारिकता हमारे TCAB के कोऑर्डिनेटर श्री ढालवाल जी, इंचार्ज श्री ढालवाल जी करेंगे। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ श्री सुरेंद्र ढालवाल, डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल जी को, कि औपचारिक रूप से सब लोगों का धन्यवाद करें जो हमारे साथ जुड़े थे। आइए। धन्यवाद जगी सर, थैंक यू वेरी मच सर, और निश्चित रूप से ये धन्यवाद ज्ञापन के जरिए हमें भी बोलने का मौका दिया आपने इसके लिए थैंक यू सर। बहुत ही बेहतरीन विषयों पे हम लोग वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग इन वेबिनार्स में एक्सपर्ट्स को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज का हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और देशव्यापी हम सब तक वो सूचनाएं और उस ज्ञान को हम लोग बांट पा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, और जैसा कि मैं हमेशा से मानता ही आया हूँ, जब से कोविड-19 का आगाज हुआ तब से ये एक एडवर्सिटी में भी एक अपॉर्चुनिटी की बात मुझे महसूस होती है कि भाई निश्चित रूप से इस चुनौती के अंदर भी कहीं कहीं
अवसर हैं छिपे हुए हैं और उन अवसरों को हम लोग बनाते हैं, तो बेहतरीन है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे डायरेक्टर सर को जिन्होंने इसका कॉन्सेप्चुलाइज किया और वेबिनार करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित किया और अपने व्यस्त समय में से वो मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे व्यस्तताएं सर के साथ हैं और उसमें से भी आकर के वो हमारे वेबिनार्स को एड्रेस कर पाते हैं, उसके लिए मैं वो अपना आशीर्वाद दे पाते हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा अपने डायरेक्टर साहब का। प्रिंसिपल सर जग्गी साहब, कमलवीर सिंह जग्गी सर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको बांध के रखते हैं और एक मीनिंगफुल वे में। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर का, कमलवीर सिंह सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज के विशेष अतिथि जो वक्ता हमारे मतलब वो हमारे सबसे पहले श्री दुरायराज सर जो कि हमारे सीनियर रहे, हमारे कलीग रहे और अब वो सेवानिवृत्त होकर के भी अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, उनको उस ज्ञान को फैला रहे हैं। मैं दुरायराज सर का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि वो लोग वो आए और उन्होंने अपनी एक वास्ट नॉलेज और वास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और डेफिनेटली ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जैसा जो टॉपिक है उस पे चंद गिने चुने व्यक्ति ही पूरे देश भर में हैं और उन मैं समझता हूँ कि शायद दुरायराज सर ही उन सबके पितामह होंगे इस वक्त जो जितने भी हमारे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एक्सपर्ट्स हैं उनमें दुरायराज सर का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा और मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि वो आए इस प्लेटफॉर्म पे और उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करी। धन्यवाद सर। सीएबी से हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने अपने ज्ञान का अपने अनुभव का प्रदर्शन किया और बेहतरीन तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत कर हम सबको लाभान्वित किया। विकास, मैं विकास कहूंगा कहना चाहूंगा क्योंकि विकास हमारे स्टूडेंट भी रहे और लेकिन अब मैं सर विकास कहूंगा क्योंकि वह एक्सपर्ट है, वो आए यहाँ पे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से और हम लोगों को खुशी भी होती है जैसे हमारे अग्रज हमें देखते हैं बोलते हुए सुनते हैं तो उनको जिस तरह से प्रसन्नता होती है उसी तरह से हमें भी प्रसन्नता होती है कि भी हम भी उस श्रेणी में कहीं ना कहीं अब फिसल रहे हैं कि अब हमारे अनुज जो है वो आगे आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं और इस नॉलेज को जो है स्प्रेड कर रहे हैं। थैंक यू विकास, विकास सर थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपने अपने अनुभव शेयर किए, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्य उन्होंने वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट किया और बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी मैडम का, पूरे टीसीएबी स्टाफ का धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस वेबिनार को कंडक्ट करने में प्लान करने में सहायता करी। आईटी डिपार्टमेंट का धन्यवाद जो हमें पूरा सपोर्ट देते हैं इसको वेबिनार्स को रिकॉर्ड करने में, वेबिनार के स्मूथ फंक्शनिंग में और निश्चित रूप से बीच बीच में वेबिनार एटिकेट्स हमारे दर्शक गणों को श्रोताओं को सिखाने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पंकज इंचार्ज आईटी डिपार्टमेंट भावना एंड दीपक, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। और निश्चित रूप से पार्टिसिपेंट्स के बिना कोई भी वेबिनार या कोई भी इस तरह का फोरम जो है कंप्लीट नहीं हो सकता है तो मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि जुड़े रहे, उन्होंने इस अनुभव को सुना समझा और अब आगे वो इस अनुभव को लेकर के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू और धन्यवाद, धन्यवाद सर। और डॉक्टर धालवाल का धन्यवाद मैं करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धालवाल। और आपने जैसा कि बोला इस वेबिनार का आगाज हुआ और इक्तेदाम पर भी पहुंचा ये, इसी तरह से कोरोना का आगाज जो हो गया है उसका इक्तेदाम कब होगा सर, कुछ ना कुछ ऐसा भी
नहीं ये इसे मैं जो है विष्णु जी का अवतार मानता हूँ और अच्छा, मैं मानता हूँ सॉरी मतलब थोड़ा सा नॉन साइंटिफिक लाइटर वे में मैं इसको बात कर रहा हूँ। इसके साथ हमें जीना तो इसने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी है, इसको हम नकार नहीं सकते। हाँ, बदली है बिल्कुल, न्यू नॉर्म्स की बात होती है तो नए नए नॉर्म इसने बनाए स्थापित किए और नए नॉर्म के साथ हम लोगों को जीना होगा, इसके साथ हमें जीना होगा, दोस्ती करनी होगी। और आज अब फाइनल रिमार्क्स के लिए लक्ष्मी जी को मैं हैंडओवर करता हूं जो इस पूरे वेबिनार की प्लानिंग में भी इन्वॉल्व रही और एग्जीक्यूशन में भी इन्वॉल्व रही। तो लक्ष्मी जी, मैं पूरे संस्थान की ओर से सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देना चाहती हूं जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे पुराने जो ट्रेनीज हैं और प्रोफेशनल्स हैं जो इस सेमिनार को देख रहे हैं। इसके अलावा मैं संस्थान की ओर से अपने तीनों स्पीकर्स का, दोराराज सर का और मिश्रा जी का और देवीलाल जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस प्रकार की सेमिनार को लेकर और महत्वपूर्ण विषयों पर हम दिव्यांग जनों के लिए सेमिनार लेके उपस्थित होंगे भविष्य में भी, आप सब हमसे जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ वेबिनार समाप्ति की घोषणा की जाती है। थैंक यू वेरी मच।